राजधानी शिमला में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले माल रोड पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीते 2-3 महीने में शहर में चोरी की 4 घटनाओं ने पुलिस और स्थानीय लोगों की नींद हराम कर दी है। बुधवार रात भी चोर माल रोड स्थित दवाइयों की एक दुकान से हजारों की नकदी ले उड़े। राजधानी शिमला का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माल रोड माना जाता है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कुछ शातिर चोर बीते 3-4 महीने से एक के बाद एक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देकर सरेआम शिमला पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बुधवार रात को भी शिमला के माल रोड पर स्थित दवाइयों की एक दुकान पर शातिर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर गए। वीरवार सुबह जब दुकान के मालिक के 2 बेटे और 1 सेल्समैन दुकान पर पहुंचे तो शटर में ताले नहीं थे, जिसे देखकर वे हैरान हो गए। एक बार की उन्हें लगा कि शायद रात को ताला लगाना भूल गए होंगे, लेकिन शटर खोलते ही दुकान की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि मामला चोरी का है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, साथ ही फिंगर एक्सपर्ट और FSL की टीम को भी बुला लिया गया। दुकान के मालिक कपिल सूद ने मीडिया के समक्ष पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुकान से करीब 70,000 रुपये की नकदी गायब है। उन्होंने बताया कि शिमला शहर में 2-3 महीने में ये चौथी चोरी की घटना है। सुबह 10 बजे हम दुकान खोलते हैं जी, 10 बजे जब दुकान खोलने के लिए आए तो दुकान के ताले नहीं थे। बच्चे आए थे, 2 बेटे मेरे, दुकान खोलने के लिए, एक सर्वेंट है, तो उन्होंने देखा ताले नहीं है, तो घबराहट में उन्होंने ये समझा कि हो सकता है रात को ताले लगाने ही भूल गए हम। उन्होंने एकदम से शटर उठाया तो अंदर देखा तो अंदर सारा जो है वो सामान बिखरा पड़ा है, और एकदम से अंदर जंप किया। उन्होंने अंदर जाके देखा तो एक कैश का बैग है जिसमें कि हम चेंज रखते हैं, 10 के नोट, 50 के नोट, और एमरजेंसी के लिए कैश रखते हैं, थोड़ा कोई पर चांस पेमेंट लेने आ जाए थोड़ी बहुत, और कैश बॉक्स में कैश होता है जो कि क्लोजिंग सेल होती है, वो सारी नहीं थी। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया तो ये लोग आए हैं। तो अभी लगभग क्या टाइम हो गया होगा आपके पास अबाउट? अभी तो जो मोटी नजर आई उसके बाद तो शटर बंद कर दिए, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं इनका फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट कोई आएगा वो देखेगा, तो अभी तो उसकी वेट कर रहे हैं। उसके बाद शटर खोलेंगे तो देखेंगे और भी कुछ सामान गया है कि नहीं गया, क्योंकि बच्चों ने तो घबरा के एकदम से शटर बंद कर दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था जी। कैश कितना है? लगभग लगभग 70,000 रुपया कैश है जी, 60 से 70,000, 70,000 रुपया ही होगा। आपको किसी के ऊपर शक है? शक तो अभी किसी के ऊपर नहीं है जी, पर ये मेरे ख्याल माल रोड पे, जैसे कि मेरे को बाकी बिजनेसमैन भी एक दो आए थे अभी मेरे पास, वो बता रहे थे पिछले 3 महीने में ये चौथी घटना है माल रोड के ऊपर ही, जो कि उनका भी कैश ही लेके गए हैं। सब एक पीछे लाल एंड कंपनी है, एक दो शॉपकीपर और भी है माल रोड के, उन्होंने मेरे को बताया। हमारे को तो खैर पता ही नहीं था इस चीज़ का, अभी वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया ये माल रोड पे 4th इंसिडेंट है 3-4 महीने के अंदर, जो कि ऐसी कोई गैंग हो सकता है, ये कोई आदमी हो सकता है जो कि ऐसे काम कर रहा है। गश्त की कमी है? हाँ जी, गश्त नहीं होती टाइम से? गश्त तो होती, तो माल रोड पे तो गश्त होती है जी। अब हमने तो सुना है, देखा तो कभी नहीं रात को आके, लेकिन गश्त होती है, तो यदि ये करते होंगे ये लोग तो इनको पता होगा कौन है। वहीं इस बाबत जब पुलिस से बात की गई तो DSP प्रमोद शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए आश्वासन दिया कि इन घटनाओं के पीछे जिसका भी हाथ होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। अभी रिपोर्ट हुई है, करीब 10 बजे के आसपास ही रिपोर्ट आई है कि मॉल रोड पे कोई दवाइयों की दुकान है, दवाइयों की दुकान पे का ताला तोड़ा है किसी ने, और वो बता रहे हैं कि कैश अंदर था। तो उसमें अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, हम देख रहे हैं कि हमने फिंगरप्रिंट के जो हमारे एक्सपर्ट उनको भी बुलाया है, FSL के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं। सर, लोगों का कहना है, दुकानदारों का, कि चौथी चोरी है 3 महीने में माल रोड पर, ये क्या किस तरीके से सर देखते हैं? गश्त की कमी है? नहीं, गश्त तो है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी चीज़ जो भी चोर है या जो भी कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है वो जल्दी ही सामने आएगा। शिमला शहर के माल रोड पर पूरी रात गश्त रहती है, बावजूद उसके चोर जिस तरह से ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो पुलिस के लिए वाकई बड़ी चुनौती है। ऐसे में शिमला की स्मार्ट पुलिस को कुछ स्मार्टनेस दिखाकर जल्द ही शातिरों को सलाखों के पीछे भेजकर आम लोगों को राहत दिलानी होगी, वरना पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।